ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं विशी और आप देख रहे हैं बॉम्ब टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो डीमार्ट का ओएफएस आया उसके ऊपर और कौन सी प्राइस पे आया, आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और बाद में हम बात करेंगे चार्ट पे क्या दिख रहा है और क्या है कि आपको जीरोधा से कैसे इसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। अब हम आ चुके हैं बीएससी की साइट के ऊपर, वहां हम देखेंगे इसकी क्या डिटेल्स है वो सब कुछ होगा। तो आप जब इस पे आओगे तो इधर मेनू आएगा, तो मेनू पे आप जाओगे तब तो आप इसको पब्लिक इश्यू ओएफएस और एसजीबी लिखा होगा तो आपको उस पे क्लिक करना है, तो ऐसा पेज आ जाएगा। आप जब इसमें नीचे जाओगे तो क्या क्या एक्टिव हो रहा है वो सब दिखाएगा। तो इधर आपको एक डीमार्ट का दिख रहा है तो उस पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। बाद में आपको इसकी डिटेल मिलेगी, तो आपको इधर लिखा है ऑफर फॉर सेल, मतलब ओएफएस, मतलब जो प्रमोटर होते हैं वो अपनी क्या है कि हिस्सेदारी कम करके मार्केट में देते हैं, तो ओएफएस है। बाद में नाम लिखा है तो इसका इश्यू पीरियड क्या होगा, तो 14 फेब से लेकर 17 फेब तक के चलेगा। बाद में इधर लिखा है कि 14 फेब नॉन रिटेल इन्वेस्टर के लिए है, रिटेल के लिए 17 फेब है, मतलब 17 फेब को रिटेलर के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। बाद में टाइम लिखा है 9:15 से लेकर 2:30 बजे तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कितनी साइज है, तो 1,48,00,000 इसकी साइज है ऑफर फॉर सेल की। बाद में रिटेल के लिए कितना मिल रहा है, 14,80,000 मिल रहा है। नॉन रिटेल के लिए सबसे ज्यादा है 1,33,20,000 से, फेस वैल्यू 10 की है। कौन सी इसकी फ्लोर प्राइस होगी, तो फ्लोर प्राइस 2049 है, मतलब 2,049 रुपए है। बाद में हम इसके नीचे और देख लेते हैं तो इसका क्या है कि नॉन रिटेल का जो होता है वो अभी सबमिट हो चुका है, तो नॉन रिटेल का जो सबमिशन हुआ है उसमें आपको सब्सक्रिप्शन कितना मिला है, तो 3.4 टाइम इसका सब्सक्रिप्शन हो चुका है। बाद में इधर नीचे नॉन रिटेल की थोड़ी डिटेल मिली है, तो इंडिकेटिव प्राइस कौन सी मिल रही है, तो 2,258 रुपीज इसकी इंडिकेटिव प्राइस मिल रही है, मतलब ये प्राइस आपको नॉन रिटेल को मिल सकता है। क्लियरिंग प्राइस क्या होगी, तो 2316 क्लियरिंग प्राइस होगी। एलटीपी अभी चल रही है वो सब कुछ इधर बता रहा है, कौन कौन इसमें हिस्सेदारी बेच रहे है वो बता रहा है, तो नॉर्मली जो दमानी ग्रुप है वही इसकी हिस्सेदारी बेच रहा है। तो ये था ओएफएस की डिटेल। अभी हम इसका क्या है कि कैसे अप्लाई करना है और बाद में थोड़ा वगैरह चार्ट पे भी इसको देखेंगे कि चार्ट पे कैसे बिहेव कर रहा है, कौन से इसके सपोर्ट हो सकते हैं, कौन से इसके रेजिस्टेंस हो सकते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं चार्ट पे, कैसे इसको जीरोधा से अप्लाई करना है वो सब देख लेते हैं। तो अब हम आ चुके कंसोल के ऊपर, जीरोधा कंसोल के ऊपर। तो आपको जब भी ओपन करो तो अपने मेनू में से कंसोल में जाना होगा। कंसोल में आने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, बाद में ऊपर की साइड एक पोर्टफोलियो करके लिखा होगा उस पर आपको क्लिक करना है, तो आपको इसमें आईपीओस और आईपीओस के नीचे एक कॉर्पोरेट एक्शंस लिखा हुआ है तो उस पे जाने का है। तो उस पे जाओगे तो आपको इधर क्या आएगा, जो ये होते हैं ओएफएस एंड टेक ओवर वो सब कुछ इधर दिखाता है, तो आपको इधर एक डीमार्ट का भी हाल फिलहाल चल रहा है वो दिखा हुआ दिख रहा है। तो आपको इसमें जाना है, ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपको इधर डेट वगैरह भी मिल जाएगी। तो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करोगे तो प्लेस न्यू ऑर्डर ऐसा लिखा आएगा, तो वहां आपको जाना है, करना है। क्वांटिटी आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतनी डालनी है, इसका मार्केट लॉट एक है तो आप एक के मल्टीप्लाई में डाल सकते हैं। मान लेते हैं कि मेरे को चाहिए 50, तो आपको इधर 50 डालना है। प्राइस डालोगे 2049 तो ये 2049 पे ही बाय करेगा, लेकिन अगर मार्केट ऑर्डर डालते हो तो जो भी एडजस्टेबल प्राइस होगी, मान लेते कि इसकी फ्लोर प्राइस 2049 है लेकिन ये एडजस्टेबल प्राइस 2100 हो गई, तो आपको 2100 में मिलने का चांसेस है। सो अगर आपको ये चाहिए ही चाहिए, आपका मैक्सिमम ऐसा लगे कि मेरे को अलॉटमेंट हो, तो आप इसको मार्केट ऑर्डर पे डालिए और बाद में सबमिट कर दीजिएगा। सो आपको क्या होगा, ये हो जाएगी सबमिट, लेकिन इससे पहले आपके अकाउंट में इतना पैसा होना चाहिए, मतलब जीरोधा में इतने पैसे होने चाहिए तब भी आपके मिलने के चांस रहेंगे। तो ये हो गया जीरोधा में से कैसे इसको अप्लाई करें ओएफएस को। तो अब हम देख लेते हैं जो डीमार्ट का चार्ट है वो कैसा दिख रहा है, हाल फिलहाल क्या इसमें बिहेव देखने को मिला है वो सब। अब हम आ चुके हैं डीमार्ट के चार्ट के ऊपर, अब हम इसमें देखते हैं कौन से इसके सपोर्ट होंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस होंगे। तो पहले हम 1 वीक का चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। तो 1 वीक पे आप देखोगे तो स्टार्टिंग में जब भी ये आया तो ओपनिंग में एक अच्छा था, बाद में ऊपर गया, थोड़ा इधर कंसोलिडेट किया, आप देखो ऊपर गया नीचे गया ऊपर गया, इधर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फिक्स किया, बाद में नीचे आया, बाद में इसको ब्रेक करने के बाद ये फिर से अबव निकला, मतलब एक रन देखने को मिला, फिर से इधर एक रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, एक अनडिसीजनल कैंडल बना के ऊपर गया, फिर से इधर ये जो लास्ट आया था वहां इसने रेजिस्टेंस फेस किया,
नीचे आया, लास्ट लो के पास सपोर्ट फेस किया, बाद में इधर से अबव निकला, बाद में इसने अपने हाई को ब्रेक किया, मतलब रेजिस्टेंस को ब्रेक करके अबव निकला, फिर से ये कंसोलिडेट किया, इधर से एक क्या है कि ट्रायंगल टाइप बनाया था मैंने, इसमें आपका जब रिजल्ट आया तब भी आपको ये बताया था कि इधर आप नजर रखो, इसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, आप वो वीडियो जाके भी देख सकते हो। तो इधर एक ट्रायंगल टाइप बना था, बाद में इसका ब्रेकआउट हुआ, ये जो लास्ट आया था वहीं से इसका ब्रेकआउट हुआ और बाद में एक अच्छा सा मूव देखने को मिला। ये था 1 वीक का चार्ट। अभी हम इसको थोड़ा 1 डे पे शिफ्ट कर लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कौन से इसके सपोर्ट रहेंगे, कौन से इसके रेजिस्टेंस रहेंगे। तो हाल फिलहाल जब भी ये ओपन फोर सेल आए तो आप देखोगे इधर एक गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि क्या होता है कि इतनी प्राइस पे तो जो इन्वेस्टर होते हैं वो इधर से सेल करके क्या है कि ओपन फोर सेल में डालते, तो इसीलिए इसमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही। तो ये कितना नीचे और जा सकता है, तो इसको मैं सपोर्ट जो मेन सपोर्ट मानूंगा, जो इसका लास्ट आई था जो 2010 के आसपास था उसी को ही मानूंगा। तो इसका जो मेन सपोर्ट होगा वो 2010 के आसपास है, लेकिन इससे पहले भी हमें एक सपोर्ट मिलता है, वो है आपको 1 आवर्स पे देखना पड़ेगा। सो 1 आवर्स पे मैं इसको शिफ्ट कर लेता हूँ पहले। तो 1 आवर्स पे देखोगे तो आपको थोड़े क्या है कि एक्स्ट्रा सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। तो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ कौन से हमारे सपोर्ट होंगे, कौन से इसमें रेजिस्टेंस होंगे नेक्स्ट के लिए। तो आप इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, तो जो लास्ट लो होगा इसका मैं इसको पहला सपोर्ट मानूंगा जो आ रहा है 2270 के आसपास। अगर ये इसको भी ब्रेक करके नीचे चला गया तो जो मेरा मेन एंड इम्पोर्टेंट सपोर्ट होगा वो ये होगा जो अभी हाल फिलहाल इसकी प्राइस भी आ रही है, मतलब 2050। तो इसीलिए ये मेरा जो मेन सपोर्ट होगा इन फ्यूचर, अगर ये 2050 या 2000 के आसपास भी जाता है तो एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए। तो आप इसको वॉच लिस्ट में तब लगा सकते हो। तो अभी हम हाल फिलहाल की बात करते हैं, तो जो पहला सपोर्ट होगा वो 2270 के पास होगा, इसके अगर ब्रेक कर दिया तो नीचे का सपोर्ट होगा वो 2050 का लेवल होगा, जो इसका अभी क्या है कि फ्लोर प्राइस चल रहा है ऑफर फॉर सेल में। तो ये हो गया मेरी ओर से छोटा सा डीमार्ट के ऊपर ओवरव्यू, और क्या है कि इसमें आप अप्लाई कर सकते हो या नहीं। तो मेरे हिसाब से इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि क्या है कि अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, तो हो सकता है इसमें आपका थोड़ा सा उछाल देखने को मिले ये ऑफर सेल हो जाने के बाद। तो मेरे हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं जो सब में बोलता हूँ इसमें भी बोलूंगा कि पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ डिसीजन लीजिए। ऐसा नहीं होता कि मैं बोल दे रहा हूँ या कोई और बोल दे रहा है तो आप इसमें ब्लाइंडली फॉलो करके इसमें अप्लाई कर रहे हो या कुछ बाय या सेल कर रहे हो। तो पहले अपनी एनालिसिस कीजिए, बाद में कुछ डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा वीडियो डीमार्ट के ऊपर। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छा लगा हो तो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करोगे तभी तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यार लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।